गणपति बप्पा मोरिया मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। बप्पा से कहकर आई थी पुरछावर्षी लौकरिया और बप्पा आ भी गए। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आइए पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी और पूजा का मुहूर्त कब रहेगा। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, शनिवार 7 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त रहेगा प्रातः 11:03 बजे से दोपहर 1:34 मिनट तक, जो भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए एकदम सही समय है। यह समय अनुष्ठानों के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। गणेश विसर्जन रहेगा मंगलवार 17 सितंबर 2024 को। और बहुत जरूर बात यह है कि भाद्रपद की चतुर्थी का चांद नहीं देखा जाता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद देखने से मिथ्या दोष लगता है, जिससे झूठे आरोप लगते हैं। इससे बचने के लिए 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 से रात्रि 8:16 तक और 7 सितंबर 2024 को सुबह 9:30 बजे से रात 9:45 बजे तक के बीच में चांद नहीं देखना चाहिए। गणेश चतुर्थी की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं को एक साथ लाने के लिए की थी, जिससे सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिला। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाल गंगाधर तिलक जी ने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए लोगों को एक साथ लाने के साधन के रूप में इस त्यौहार को लोकप्रिय बनाया। गणेश चतुर्थी नई शुरुआत और बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है। ये विशेष महाराष्ट्र का त्यौहार है, जहाँ भगवान गणेश की खूबसूरती से तैयारी की गई मूर्तियों को रखने के लिए भव्य पंडाल स्थापित किए जाते हैं और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, किंतु अब पूरे विश्व में मनाया जाता है। पुराणों में कथा के अनुसार भगवान गणेश को देवी पार्वती ने हल्दी के लेप से बनाया था और उन्हें स्नान करते समय उनकी रक्षा करने के लिए जीवित किया गया था। जब भगवान शिव गणेश की पहचान से अनजान थे, तो उन्होंने प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश का सिर कट गया। पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी ने गणेश के सिर पर एक हाथी के सिर से बदल दिया, जिससे उन्होंने उनका अनोखा रूप मिला। गणेश चतुर्थी को गणेश जी की प्रतिमा को घर में लाया जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि घर में स्थापना करने वाली मूर्ति 1.25 फुट से ऊंची ना हो। सजाकर मूर्ति को 10 दिनों के लिए स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। साथ में गणपति स्वरूप एक सुपारी को भी स्थापित किया जाता है। मूर्ति को तो स्थापना के दिन षोडशोपचार से पूजा जाता है, किंतु जो छोटे गणेश जी स्थापित हैं सुपारी के रूप में, उनका रोज पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। 10 दिनों तक 2 समय पूजा अर्चा अवश्य की जाती है, किंतु जो लोग पूरे 10 दिनों तक पूजा अर्चा न कर सकें, वे 1, 3, 5 या 7 दिनों तक पूजा कर सकते हैं। गणेश व्रत भी पूरे 10 दिनों तक रखा जा सकता है, किंतु ये अनिवार्य नहीं है। अनंत चौदस के दिन गणेश मूर्ति का विसर्जन सूर्यास्त के समय किया जाता है। इस समय गणेश जी को कम से कम 21 मोदक अवश्य भोग लगाएं। वैसे तो विसर्जन का रिवाज महाराष्ट्र में ही है, उत्तर भारत में गणपति का विसर्जन नहीं किया जाता। उत्तर भारत में जो गणपति घर में होते हैं, उन्हीं की पूजा 10 दिन तक करी जाती है। गणेश चतुर्थी के व्रत के दौरान इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये पूजा यथाशक्ति और स्वेच्छा से करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। जो सरलता से हो सके वही श्रेष्ठ रहता है। ये ध्यान रखें कि आप भगवान के सामने सोए नहीं
और जूते चप्पल भवन से बाहर उतारें। इस दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नॉनवेज न खाएं और जितने दिन स्थापना है उतने दिन सहवास न करें। कुछ भक्त एक समय भोजन करते हैं, किंतु भगवान को भोग दोनों समय ही लगाना होता है। भगवान को भूखे मत रखिए। मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। गणेश मंत्रों का जाप करने से व्रत का दुगना फल मिलता है। चतुर्थी के व्रत के दौरान आपको भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा करने के साथ ही शमी के पेड़ की पूजा भी करनी होती है। इससे दरिद्रता, आपके संकट और परेशानियां दूर होती हैं। माना जाता है कि गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करने से जीवन के सभी विघ्न और संकट दूर होने लगते हैं। जब आप गणेश भगवान की पूजा करें तो सबसे पहले उन्हें सिंदूर लगाएं, उसके बाद इस सिंदूर को अपने माथे पर भी लगाएं। इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी और गणेश भगवान की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। पूजा के दौरान आपको लाल कपड़े और लाल चंदन की का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। गणेश भगवान को मोदक पसंद होते हैं, इसीलिए पूजा के बाद इन्हें इनका भोग जरूर लगाना चाहिए। पूजा के समय दुर्वा 11 दुर्वा को गणेश जी के मस्तक पर या सूंड पर लगाना चाहिए। इसके बाद संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें और साथ साथ 108 बार ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप भी करें। इससे आपके सभी संकट दूर होंगे। कुछ विशेष स्तुतियां हैं जिनसे आप गणपति की पूजा कर सकते हैं, जैसे गणपति अथर्वशीष, गणपति सहस्रनाम स्तोत्र, गणेश पंचरत्न स्तोत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, द्वादश नाम स्तोत्रम, प्रातस्मरण स्तोत्रम, विनायक स्तुति, गणेश अष्टकम और भी बहुत से स्तोत्र हैं जिन्हें पढ़कर गणपति को प्रसन्न किया जा सकता है। और एक बात और कि जिन लोगों ने व्रत रखा है चतुर्थी का, वो चांद को देखकर व्रत नहीं खोलेंगे, वो तारा देखकर व्रत खोलेंगे। इस वाली चतुर्थी का व्रत तारा देखकर ही खोला जाता है। गणपति बप्पा मोरिया। Press the bell icon to never miss a video from One World News.